झींगा मछली पालकों पर करीब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोनों उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। जोधपुर डिस्कॉम की विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई की है चूरू के राजगढ़ और तारानगर इलाके में। आपको बता दें कि एक उपभोक्ता पर 52,52,000 रुपए का जुर्माना लगाया जबकि दूसरे उपभोक्ता पर 46,98,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर दो लोगों पर मिलाकर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। तारानगर और राजगढ़ में यह एक्शन हुआ है। चूरू में 11 KV लाइन में अंकुड़ी डालकर सीधा कनेक्शन लेने पर डिस्कॉम ने यह एक्शन लिया और उसके बाद दो झींगा मछली पालकों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। मेरे सहयोगी नवरतन प्रजापत जुड़ गए फोन लाइन पर। नवरतन, किस तरह से बिजली चोरी हो रही थी, बिजली चोरी कब से हो रही थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये काफी समय से चोरी की शिकायतें आ रही। आज विद्युत विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वो 11,000 वोल्टेज की लाइन से सीधे कनेक्शन किए जा रहे थे, मीटर से बाईपास सीधे कनेक्शन करके झींगा मछली पालन जो कर रहे हैं किसान, वो सारे अवैध कनेक्शन से चल रहे थे। दो तीन इससे पहले भी इन्होंने 2-3 जगह कार्रवाई की है। आज इन्होंने 2 जगह दोनों का मिलाकर करीब 1 करोड़ की जुर्माना राशि का इन्होंने नोटिस दिया है। इन्होंने अरेस्ट भी, अधिकारियों का कहना है कि इसके बाद FIR भी होगी। जब जुर्माना अगर नहीं जमा किया जाता है तो इनकी पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी दोनों आरोपियों के खिलाफ। और मौके की टीम पहुंची, जो कनेक्शन हटाए और कार्रवाई की गई है। जी ठीक है नवरतन, बहुत बहुत शुक्रिया।